अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके प्रेस न्यूज़, मैं हूँ आपका होस्ट शान हुआ है। नाज़रीन, आज हमारी टीम पहुंच गई जिले कुलगाम के डिग्री कॉलेज किलम में। नाज़रीन, यहाँ पर NSS की तरफ से एक स्कीम चलाई गई जिसका मकसद यही था कि आलूदगी से दूर रहना। नाज़रीन, यहाँ पर डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर हमें ये दिखा भी रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे आगे पीछे एनवायरनमेंट है उसको कैसे रखना है हमें। तो हमारा कैमरामैन आपको विजुअल भी दिखाएगा। इसका मकसद यही है कि आलूदगी से दूर रहना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इनके साथ कुछ टीचर्स भी है जिससे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो नाज़रीन, इनसे भी हम ये सुनेंगे कि इनका मकसद क्या है आखिर, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर हम किलम डिग्री कॉलेज किलम की बात करेंगे, ये एक गांव में है, ये एक सिटी में नहीं है, क्योंकि सिटी में तो वहां पर सफाई के ये मेंबर होते हैं जो सफाई हर दिन करते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां आलूदगी ज़्यादा है, तो जिससे लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और स्टूडेंट को भी। हम इस हवाले के साथ इन टीचरों से भी बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए। पर्टिकुलरली इस वक्त हम कलम कॉलेज में हैं। कलम कॉलेज की सराउंडिंग में जो कलम गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है, यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जो पॉलीथीन है, पर्टिकुलरली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे घरों से दुकानों से निकलते हैं, वो अक्सर बेशतर हमने देखा है कि वो सड़कों के इर्द गिर्द फेंका जाता है या नालों में फेंका जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ही लोगों को होती है। तो मैसेज रहे कि हर एक घर वाला अपने घर में, हर एक दुकानदार अपने दुकान में एक डस्टबिन रखे, और फिर अच्छा होता कि वो सेग्रीगेशन करते, वो पॉलीथीन को एक डस्टबिन में डालते और जो बायोडिग्रेडेबल लाइक पेपर है उसको दूसरे डस्टबिन में डालते, और फिर अकॉर्डिंगली वो जो हायर अथॉरिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके यहाँ गाड़ी आ सकती है, फिर वो उस म्यूनसिपल गाड़ी में कहीं पर जमा करके वो उसको डिस्पोज ऑफ करती है। तो दिस इज माई मैसेज। आप साफिजा जो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे कि हमें किस तरह आलूदगी से बचना चाहिए, तो मिलते हैं दूसरी न्यूज़ के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।